أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. सारी तारीफें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए जो हालिक अर्ज़ो समा मुदब्बिरीन सो जहाँ है, और हज़ारों दुरूद उसके नबी मोहतरम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की ज़ाते अक़दस पर जो रहमतुल लिल आलमीन और मुअल्लम आज़म है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आली मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आली इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आली मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आली इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुह। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे, और दुआ है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से कि आपको सेहत और ईमान भरी जिंदगी नसीब फरमाए, और अल्लाह करीम हमारी छोटी छोटी कोशिशों और काबिशों को कबूल फरमा ले, और अल्लाह करीम इन हमारी छोटी छोटी कोशिशों के इवज अल्लाह पाक हमारी नस्लों की हिफाजत फरमाए। अल्लाह करीम हर किस्म के शर से और हर किस्म के फितने से और हर किस्म की बुरी आजमाइश से हमें महफूज रखे, और अल्लाह पाक हमारी ज़िंदगी के मामलात को हमारे लिए आसान बना दे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है, उम्मीद है मेरा रब हमारी झोलियों को खाली नहीं लुटाएगा। इस उम्मीद और यकीन के साथ अपनी दुआओं को जारी रखा कीजिए और अपने रब से दुआएं मांगते रहा कीजिए। आज हमारे पास उन्वान है दुखी दिलों के इलाज का। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सबसे पहले तो बड़ी जानने वाली एक बात आती होती है, ये दुख क्या है। ये दुख और गम ये दिलों को चमकाने के आलात होते हैं। ये आपके दिलों को पाकीज़ा करने के लिए, तहारतें करने के लिए, आपके दिलों को नरम करने के लिए ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से आजमाइशें आती होती हैं। कुरान की आयतों के मफहूम आपको मिलते होते हैं। अल्लाह का कुरान कहता है कि मैंने तुम्हारे ऊपर आजमाइशें और ये जो तुम्हारे ऊपर ये जो सख्तियां थी इसलिए इनको भेजा ताकि तुम्हारे अंदर आजजी और इनकसारी आ जाए, ताकि तुम अपने रब के आगे गिड़गिड़ाने लग जाओ। तो क्या ऐसा हुआ कि तुम्हारे ऊपर अगर ये आजमाइशें आईं तो तुमने अपने रब के आगे आजजी और इनकसारी नहीं की और अल्लाह के आगे गिड़गिड़ाने के लिए नहीं बैठे हो। तो ये हमारे पास आने वाली ये जो चीजें हैं, ये जो आजमाइशें हैं, वो ये अल्फाज अक्सर बोले जाते हैं कि तुंदी ये बादे मुहालिफ से ना घबरा ए अकाब, ये तो चलती है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए। ये जो आपकी मुहालिफ सिमत की हवाएं हैं ये आपको बुलंद परवाज सिखाने के लिए उड़ती हैं, ये आपको बुलंद करने के लिए उड़ती हैं। तो ये जो मामलात आपके लिए आते हैं जिंदगी में, ये आपकी शख्सियत को निखारने के लिए। बाज़ दफ़ा हमारे पास कुछ जुमले और कुछ दुआएं बताई जाती हैं तो हमें जब उसका मफहूम और मानी सही वाजे नहीं होता तो हम समझ रहे होते हैं कि ये जो दुआ बताई गई है, जैसे कि अक्सर आप जानते होते हो दुआ पढ़ी जाती है इन्ना लिल्लाही व इन्ना इलैहि राजिऊन, हम समझ रहे हैं कि सिर्फ कोई दुनिया से रुखसत हो जाए या किसी का विसाल और इंतकाल हो जाए तो तब ये दुआ पढ़ी जाती है वफात के ऊपर पढ़ने वाली। हालांकि किसी किस्म का आपका गम का मामला हो, कोई कैफियत इस तरह की हो कि कोई चीज़ गुम भी जाए आपकी, तो तब भी इसी दुआ को पढ़ना होता है। कोई नुकसान हो जाए तो तब भी यही दुआ पढ़ते हैं, इस दुआ को पूरा पढ़ते हैं। पूरी दुआ कितनी है, इन्ना लिल्लाही व इन्ना इलैहि राजिऊन व अजिरनी फी मुसीबती व अखलुफ ली खैरुम मिनहा, ये पूरी दुआ है कि मैं बेशक हम अल्लाह ही के लिए हैं और अल्लाह ही की तरफ हमें वापस लौट के जाना है, और फिर हम जो दुआ मांग रहे हैं वो अजरनी फी मुसीबती, ए अल्लाह मुझे इस आजमाइश के ऊपर अजर दे दे, वखलुफ ली खैरुम मिनहा और इसके पीछे मेरे लिए खैर को ले आ, मेरे लिए भलाइयों को ले आ। और ये तो आप जब तारीख ए इस्लामी को पढ़ते हो या कुरान के तर्जमे और तफसीर पढ़ते हो तो आपको पता चलता है कि हर परेशानी परेशानी और हर गम के पीछे एक खुशी की कैफियत जो है वो आती जा रही है,
और इसकी मिसाल आपके पास कुरान भरा पड़ा है, वही कह लीजिए अल्लाह का कुरान, चाहे सूरह वल्लैल की सूरत में आपको बता दे, तो चाहे सूरह वद्दुहा की सूरत में बता दे कि हर अंधेरी रात के पीछे दिन लगा हुआ है, रोशन दिन है, चमकता सूरज है जो अपने इंतजार पे खड़ा है, अपनी बारी का इंतजार कर रहा है। इसी तरीके से अर अंधेरी रात जो है उसका कह लीजिए इंतजार जो है वो इसका छट जाना और खत्म हो जाना है, और चमकता दिन जो है वो तलू होने वाला है। और फिर कुरान की सूरतों में हर परेशानी के बाद, हर दुश्वारी के बाद आसानी है, ये भी आप कह लीजिए कुरान की आयतें आप पढ़ते होते हो आपके लिए मौजूद है। अब आपके पास जो इस्लामिकली जो आपके पास कुरान और सुन्नत से मिलता है उसको भी पीछे मुड़ के देख लीजिए, इतना बड़ा मामला हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के साथ दरपेश आया था, यहाँ तक कि उस मुल्क से हिजरत करके डरते हुए अपनी जान बचाते हुए चले गए थे। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने नबी तो बनाया ही, नबुवत तो दी ही, भाई को भी नबी रसूल बना दिया, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को भी नबुवत मिल गई, और फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत से हम कलाम भी वापसी के ऊपर हो गए, और फिर अल्लाह ने जो नेमतें उतारी वो भी देख लीजिए कि रब्बी इन्नी लिमा अनज़लता इलैय मिन खैरिन फकीर के जुमले जुबानों से निकले थे जब हिजरत करके वहां पे गए थे, तो अल्लाह ने झोलियों में नबियों की तरफ से मेहमान नवाजियां भी डाल दी, और नबी की बीवी जो वक्त के नबी रसूल थे उनकी बेटी जो थी वो आपके अजवाज में भी दे दी। तो ये अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बताया कि किस तरीके से हर दुख जो है उसके पीछे आपका इंतजार कर रही खुशी होती है। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का मामला आप जानते होते हैं, बाप की आंखों की बिनाई चली गई थी, हजरत यकूब अलैहिस्सलाम का जब बेटा गुम हुआ था तो आंखों की रो रो के बिनाई चली गई थी, अल्फाज क्या थे, इन्नमा अश्कु बसी व हुज्नी इलल्लाह, मेरी परेशानियां, मेरी तकलीफें, मेरे अश्क, मेरे गम, मेरे आंसू मेरे अल्लाह के सुपुर्द हैं, मेरा अल्लाह इन आंसुओं को पूछने वाला, इन गमों का मुदावा करने वाला। और फिर देख लीजिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो दिखाया, बेटा मिस्र का अजीज बना के लौटा दिया, और फिर कह लीजिए किस तरीके से सल्तनतें वापस दे दी गई। आगे आ जाइए, हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को देख लीजिए, मछली के पेट के अंदर कई अंधेरों में वहां पे अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सिखाया, अल्लाह ने कलमात जुबान से जारी किए, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुंतु मिनज़ ज़ालिमीन, जब ये अल्फाज अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सिखाए और वो जुबान से जारी किए तो मछली ने किनारे के ऊपर उगल दिया। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ये जो नेमतें थी ये किस तरीके से लौटाई, किस तरीके से पलटाई, इसी तरीके से हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के ऊपर तोहमत लगाने वालों ने तोहमत लगाई, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इतना बड़ा गम जो उनको पहुंचा था उस गम के बदले में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने क्या मुकाम दिया, अमूरे सल्तनत में वजीर बना दिए गए। और फिर कह लीजिए जो उस बादशाह और बादशाह के सामने, लोगों के सामने जो आपकी सदाकत थी और आपकी पाक दामनी थी उसके ऊपर लोगों ने गवाहियां दी, इवन के वो जो इल्जाम लगाने वाले थे उन्होंने भी सच्ची गवाहियां दे दी। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की माँ को किस गम की कैफियत में थी जब अल्लाह की तरफ से दिल में वही डाल दी गई कि इस बच्चे को लकड़ी के संदूक में बंद करके पानी में बहा दो, किस गम की कैफियत में तड़प रही थी, मेरे रब ने उस बच्चे की परवरिश वक्त के उस कह लीजिए ताकतवर बादशाह जो इस्लाम का या मुसलमानों का मुखालिफ भी था उसकी गोद में परवान चढ़ाया उस बच्चे को, और फिर किस तरीके से अल्लाह ने नबी और रसूल बना दिया। ये मामलात आपकी आंखों के सामने बार बार आ रहे होते हैं कि कभी भी ये जो गम की कैफियत आती है उसके ऊपर मायूसी नहीं आनी चाहिए। हजरत अली रजी अल्लाह ताला का एक कौल मुझे इतना खूबसूरत लगता है, फरमाते हैं मायूस तो वो हो जिसका कोई रब ना हो, तो जिनका रब है मायूसी उनके करीब भी नहीं आनी चाहिए। ये गमों की कैफियतें जो होती हैं ये आपको, आपको वही कह लीजिए ये सोने को कुंदन बनाने के लिए आती हैं, ऐसी भट्टी होती है जो दिलों के अंदर तकलीफ और जलन और कह लीजिए आपके दिलों और एहसासात के ऊपर जो तकलीफ की कैफियत जारी होती है ये ईमान को कुंदन बना देती है। तो ये इंसान को कुंदन बनाने के लिए आती है, इसलिए घबराने की बात नहीं होती है, आपने वक्त को गुजारना होता है, और वक्त को गुजारना किस तरीके से है
वो तरीके जो है वो आपको सुन्नत के मुताबिक बताए जाते हैं कि सबर का दामन हाथ से नहीं छोड़ना, सजदे को हाथ से नहीं छोड़ना, अपने सर को सजदे में रखा कीजिए और सबर के साथ रहते रहिए। और वही दुआएं जो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने अंबियाए कराम को सिखाई, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आका करीम को बताई, उन्हीं दुआओं को देख लीजिए, लेके चलते जाइए। यकीन मानिए ये दिलों के मरहम है, कुरान ये दिलों की शिफा है। ये कुरान की आयत आपको बताई जाती है कि ये दिलों की शिफा है। तो सूरह फातिहा ये एक बहुत बड़ा विर्द और बहुत बड़ा वजीफा है जो आप करते होते हैं, तो जिससे आपको इत्मीनान और सुकून मिलता है। कुरान की आयत भी आती होती है, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब, के खबरदार रहना, दिल अल्लाह के जिक्र से इत्मीनान पाते हैं। अब इनके लिए साथ साथ बात लेके चलते हैं, और सबसे पहले एक बड़ी जरूरी दुआ जो है जो मैं आपको आज याद दहानी करवाऊंगी, आप कोशिश कीजिए उस दुआ को लिख लीजिए। आका करीम इस दुआ को अक्सर विर्द जुबान रखा करते थे। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान पाक से ये अल्फाज जो है ये अक्सर औकात जारी रहते थे और इस दुआ को पढ़ा करते थे। ये तकलीफ में मुसीबत में इन दुआओं को अपनी जुबानों से जारी रहना और इसको पढ़ते रहना, ला इलाहा इल्लल्लाहुल अजीमुल हलीम। बड़े खूबसूरत से अल्फाज हैं, ये तीन आयतें इसमें आती होती हैं, ये तीन जुमले हैं ये आपने पढ़ने हैं। यानी पहला जुमला आता है ला इलाहा इल्लल्लाहुल अजीमुल हलीम, नहीं है कोई माबूद सिवाय अल्लाह के, नहीं है कोई इला सिवाय अल्लाह के। कौन है अल्लाह? अजीमुल हलीम, बड़ी अजमतों वाला, बड़े हिल्म वाला, बड़े तहम्मुल वाला, बड़ी बुजुर्गी वाला, बड़ी बुलंदियों वाला, तो बड़े तहमुल वाला। दूसरा जो जुमला है वो ला इलाहा इल्लल्लाह रब्बुल अर्शिल अजीम, ला इलाहा इल्लल्लाहु रब्बुल अर्शिल अजीम, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, वही एक जात है जो इबादत के लायक है, वही एक जात है जो कह लीजिए इबादतों के लायक आती है। और वो कौन है? रब्बुल अर्शिल अजीम, वो अर्शे अजीम का रब है, अर्शे अजीम का रब। तो ये दो जुमले हुए। तीसरा जुमला साथ ले लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाहु रब्बुस समावाती व रब्बुल अर्जी व रब्बुल अर्शिल करीम। यहाँ पे आपने तीनों चीजों को जमा कर दिया, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई इबादतों के लायक नहीं। कौन है अल्लाह? रब्बुस समावात, आसमानों को पालने वाला, व रब्बुल अर्ज, जमीनों का पालनहार, व रब्बुल अर्शिल करीम, और अर्शे करीम का रब। ये कह लीजिए, ये इतनी प्यारी सी दुआ है, ये मुसीबत में, परेशानी में, गम में, दुख में ये पढ़ी जाने वाली दुआएं, ला इलाहा इल्लल्लाहुल अजीमुल हलीम, ला इलाहा इल्लल्लाहु रब्बुल अर्शिल अजीम, ला इलाहा इल्लल्लाहु रब्बुस समावाती वल अर्जी व रब्बुल अर्शिल करीम। ये कह लीजिए दुआ बड़ी खूबसूरत सी जो गम में पढ़ी जाती है। उसके बाद एक और दुआ है, उसको ले लीजिए, ये भी आपके लिए, अल्लाहु अल्लाहु रब्बी ला उशरिकु बिही शैया। परेशानी में और बेकरारी में ये जुमला अपनी जुबान से निकालते रहिए, तीन बार भी अगर आप इसको पढ़ लेते हैं, यकीन जानिए आपको महसूस होने लग जाएगा कि आपके दिल को इत्मीनान मिल गया। बेकरारी की दुआ है, परेशानी की दुआ है, अल्लाहु अल्लाहु रब्बी, अल्लाह अल्लाह मेरा रब है, ला उशरिकु बिही शैया, मैं अल्लाह के साथ किसी को शरीक नहीं करता, मैं रब के इख्तियारात में, उसकी जात में, उसकी सिफात में, उसके मामलात में मैं किसी को शरीक नहीं करता। तो ये कह लें कि ये इतने आसान से मामलात आपके लिए बताए गए कि इन दुआओं को, इन अल्फाज को अपनी जुबान से जारी रखना है। उसके बाद ला इलाहा इल्लल्लाह, ये ऐसा इसमें आजम है जिसके जरिए से आपकी मुश्किलात हल होती हैं, ये ऐसा इसमें आजम है कि इसका अजर व सवाब जो है ये पूरे जमीनों आसमान जो है वो एक तरफ हो जाए, तो ये दूसरे पलड़े अगर तराजू में रख दिया जाए तो ये भारी होता है। तो ये मामलात आपके लिए कह लीजिए, ये इतने आसान, हम बात करते होते हैं घरेलू नुस्खे और घरेलू टोटके, हमें कहीं चल के जाना नहीं पड़ता। आका करीम की एक सबसे बड़ी बात, बड़ी जानने वाली,
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से सिखाया गया एक तरीका, वो कौन सा था? आका करीम ने फरमाया, अगर कोई गम की कैफियत में है तो गम क्या करते हैं, ये जिस्म में ताकत में कमी कर देते हैं, जिस्मों में कमजोरी हो जाती है और आपके अंदर नातवानी आ जाती है। और फिर कह लीजिए कि उस नातवानी की कैफियत में अगर आप ये जो खाना है और गजा है अगर ज्यादा ताकत वाली भी इस्तेमाल करते हैं तो वो नुकसान देती है। इसलिए आका करीम की तरफ से सुजेस्ट की गई जो जो गजा थी वो तलबीना जो था, ये कह लीजिए तलबीना बनाना, ये इतना आसान सा एक मामला है। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से ये तजवीज पेश की गई थी किसी के लिए कि फलां के घर में गमी की कैफियत है, वहां पे सोग और गम है, तो उनके लिए ये खाना बनाइए, उनको दीजिए, ये बीमारों के दिल को भी तकवीयत देता है और गमगीन और हुज्न और मलाल से भरे दिलों को भी तकवीयत देता है। अब तो कह लीजिए कि वो आपकी इस्लामिक वर्ल्ड, तो इस्लामिक वर्ल्ड, अब तो पूरी दुनिया ही आपके लिए पोरेज को पसंद करती है, और कह लीजिए पोरेज आपके लिए बेहतरीन नाश्ता होता है, तो वो पोरेज कौन सी है ये थोड़ा सा देख लीजिए, जिसको तलबीना आप कहते हैं। अब तो आपके लिए कई चीजें बड़ी ढूंढनी आसान होती हैं। ये जौ होते हैं, ये कह लें कि चाहे वो आप पूरे साबत ले लें, चाहे वो कटे हुए जौ जो होते हैं उनको ले लीजिए। जौ को दूध के अंदर पकाया जाता है, बॉयल किया जाता है, उसमें भी दूध जो होता है वो मुख्तलिफ किस्म का, यानी बकरी का दूध भी इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए कि उसमें जो होती है वो ठंडक का एहसास होता है, और उसके साथ गाय और भैंस के दूध भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं, कोई भी दूध उसमें से आप इस्तेमाल कर सकते हैं, पर वही कह लीजिए ये सुन्नत के मुताबिक सारी ही इजाजत दी जाती है। उसके साथ एक और चीज बड़ी जानने वाली है कि आप कह लें कि उसमें सफेद शुगर नहीं डालते हैं, चीनी डाल के नहीं बनाते हैं, जो जो सफेद चीनी है उसका आप वैसे भी जानते हो कि आपको मना किया जाता है कि ये नुकसानदेह है, तो आपके लिए जो चीनी उसमें इस्तेमाल होती है वो खजूर को इस्तेमाल किया जाता है, कि जब उसको जौ को दूध में पकाते हैं तो खजूर जो होती है उसको काट के उसमें डाल दिया जाए, वो उसके साथ पकती है तो उसका जो मीठा है उस तरीके से हो जाता है। अगर आपके पास खजूर मौजूद नहीं है तो फिर जब आप दूध और जौ को पका लेते हैं वो मिक्स खीर बन जाती है, तो फिर हनी जो शहद होती है उसको उसके ऊपर उससे मीठा कर लीजिए, उसको डाल के खा लीजिए। तो यकीन जानिए ये इतना खूबसूरत ये गजा और ये नाश्ता है कि जो आपके दिल को और गम और दुख वाले दिलों को ये हल्के तरीके से एक तकवीयत देता है, और ये गजा सुन्नत के मुताबिक तजवीज की गई है, जब गमों की हालतें और कैफियतें हों तो इनको कह लीजिए, इन गजाओं को अपने लिए इस्तेमाल कीजिए जो सुन्नत के मुताबिक आपको बताई जाती हैं। एक सबसे बड़ा मामला ये है कि जो आपको बताया जा रहा होता है वो ये कि जो आयात आपको बताई जाती हैं, हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम ने भी जब मछली के पेट में दुआ मांगी थी कि ए अल्लाह तेरे सिवा कोई माबूद नहीं, मेरे से ही नादानी हो गई और मैं ही नादानों में से हो गया, यानी कह लीजिए कि इस चीज को एक्नॉलेज कर लेना कि हमारे आगे आने वाली जो परेशानियां होती हैं, आजमाइशें होती हैं, ये दो वजूहात होती हैं उस लिए आती हैं। एक वजह तो ये होती है कि हम जानते हुए और अनजाने में इतने गुनाह कर बैठते हैं कि उन गुनाहों का कुफारा ये हमारे ऊपर गम की कैफियत की वजह से वो हो जाता है, और हमारे ये गुनाह हैं वो माफ हो जाते हैं और हमारी खताएं बख्श दी जाती हैं। दूसरी वजह यह होती है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमारे मुकद्दर में कोई आला दर्जा और आला मुकाम लिखा होता है, हमसे उस किस्म की कोई नेकी सरजद नहीं हो रही होती, हम नेकी के उस मायार को नहीं पा रहे होते, हम नेकियों की उस सतह पे नहीं पहुंच सकते, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से ये जो आजमाइशें आती हैं अल्लाह करीम उन आजमाइशों के जरिए से, यानी जो कैफियत हमारे ऊपर आती है उस आजमाइश की कैफियत के जरिए से जो हम अपने ऊपर सफर करते और गम में मुब्तला होते हैं, अल्लाह करीम हमारे दर्जे बुलंद करके अल्लाह पाक जिस मरातिब पे हमें पहुंचाना चाहता है उस मरतबे पे पहुंचा देता है, और इसलिए अल्लाह की तरफ से ये गम की कैफियतें जो हैं ये हमारे पास आ जाती हैं। तो ये दो वजूहात हैं जो वजूहात आपके लिए आती हैं, एक तो ये कि हमारे गुनाह धुलने के लिए और हमारे अंदर पाकीजगी आने के लिए और हमारी हताएं बख्शने के लिए, और दूसरा ये कि हमारे दर्जात को बुलंद करने के लिए, हमें आला मुकाम पे पहुंचाने के लिए, दोनों ही वजूहात जो हैं जो आपके लिए कमाल के ये मामले लेके आती हैं। तो इसलिए अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से आने वाली कोई भी चीज जो आती है अगर वो कह लीजिए
खुशी आए या गमी आए, सबर का दामन हाथ से नहीं छोड़ना। यानी एक तो मामला होता है कि आपने सबर, हम समझ रहे होते हैं कि सबर की बात सिर्फ कह लीजिए कि गम की कैफियत में ही अपने आप को रोकने पे होती है, खुशियों में भी हदों से तजावज ना करना और हदों के अंदर रहना, अपने नफ्स को सबर करने वाला बनाना, साबिर रहना कि ख्वाहिशों की तरफ न चल पड़े और नादान ख्वाहिशों की तरफ न चल पड़े, बिदात और रसूमात की तरफ न चल पड़े, सबर करते रहना, ये दोनों मामलात होते हैं। यानी बुराइयों से भी अपने आप को बचा के रखना, ये भी सबर है। और कह लीजिए जो आपके लिए, जो कैफियतें आपके ऊपर गुजरती हैं गम की और आपके लिए तकलीफ परेशानी की, उसमें भी सबर करते रहना, ये आपके लिए मामलात। सूरह बकरा में आखिरी आयत भी आती होती है कि ये लोगों जो ईमान लाए हो, ये सबर करो और साबिर रहो, या अय्युहल्लज़ीन आमनुस्बिरू वसाबिरू वराबितू, कि सबर करो, साबिर रहो और राबिता रखो। राबिता नमाज है, राबिता सजदा है, अपने रब के आगे सजदे करते रहिए, अपने रब से दुआएं मांगते रहिए और अपने रब के तज़किरे जो है अपनी जुबानों से जारी रखिए। और आने वाली तकलीफें और परेशानियां आपको कभी भी कह लीजिए आपके वो मायूस ना करें और आपकी उम्मीद को खत्म ना करें और कम ना करें। इसलिए बाज दफा बाज मामलात होते हैं वहां तक आप पहुंच नहीं सकते हो, जहां तक आपकी एक्सेस है वहां तक ही आप नेकी को अपने हाथों से जारी रखिए। बड़े अच्छे से जुमले लगते होते हैं, घर से मस्जिद है कुछ दूर, चलो ऐसा कर लें किसी रोते हुए बच्चे को हंसाया जाए। ये अच्छे मामलात और नेकियों की तरफ उठे गए अच्छे कदम आपके दिलों में एक खास किस्म की इत्मीनान और कह लीजिए एक खास किस्म की आपके लिए वो जो नेमत है और खुशी है वो पैदा कर देते हैं। अल्लाह का जिक्र जो है वो आपके दिलों को जो इत्मीनान देता और खास किस्म की एक खुशी पैदा करता है, उसको आप उसी तरीके से कह लीजिए अपने अंदर जो है वो उसको जारी रखा कीजिए। अल्लाह रब्बुल इज्जत आपके लिए मामलात जो है वो आसान करता जाएगा। और जो दुनिया में आजमाइशों के मामलात हैं, वो बड़ी अच्छी सी कुछ पंजाबी की बातें लगती होती हैं, कदी अरशां ते कदी गारां विच, कदी मिस्र दियां बाजारां विच, कदी करबल मैशर जारां विच, सजन आजमाई रखदा जे। अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से ये आजमाइशें तो हर हर बंदे के ऊपर आती जा रही हैं, हर हर कह लीजिए जो अल्लाह का बंदा है उसके ऊपर जिंदगी है ही आजमाइश का नाम, जिंदगी है ही आजमाइश। तो इसलिए ये दुनिया के ऊपर जो हम आए हैं यहाँ पे आजमाइशों का ही मामला है, हमें वहां से गुजरना कैसे है, नेमतों में भी अल्लाह के शुक्राने करते हुए और गम की कैफियतों में अल्लाह के तज़किरे करते हुए। आपके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर जब वही उतरी थी तो वही के उतरने के कुछ अरसा के बाद वही को, यानी पहले जब वही का आगाज हुआ था तो कुछ एक दो बार वही आने के बाद वही का सिलसिला कुछ देर के लिए रुक गया। तो कुफार तक जब ये खबर पहुंची कि आका करीम के ऊपर वही उतरे हुए कुछ अरसा गुजर गया है, तो कुछ एक काफिर औरत ने ये ताना दिया था कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब अकेले हो गए हैं, अल्लाह ने छोड़ दिया है, इसलिए कि इनके पास जो पैगाम आ रहा था कोई वही नहीं उतरी। तो आका करीम के दिल में ये गम की कैफियत आई, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान की सूरह बद्दुहा उतार दी और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आका करीम के दिल को तसल्ली दे दी सूरह बद्दुहा की सूरत में। बद्दुहा, कसम है इस चढ़े हुए सूरज की और चमकते हुए सूरज की और चढ़े हुए दिन की, मेरे रब ने कसम खा के फरमाया, वल्लैली इज़ा सजा, और कसम है उस रात की जब वो छा जाए, मा वद्दअका रब्बुका वमा कला, जो आपके रब ने आपसे वादा किया है उसमें कोई कमी नहीं आएगी। हाँ, वलल आखिरतु खैरुन लका मिनल उला, एक चीज जहन में रखिए, ये दुनिया के मामलात से बेहतर मामलात आखरत के मामलात हैं, बेहतर चीजें आपके लिए आखरत की हैं। यहाँ पे जो कुछ है ये तो फानी है, ये तो खत्म होने वाला है, इसके लिए तो कह लीजिए एक लिमिटेड टाइम के लिए आपके पास है। जो हमेशगी की नेमतें और हमेशा के लिए आपके पास चीजें हैं वो आखरत की हैं, इसलिए दुनिया की थोड़ी चीजों के ऊपर इतना गम ना कीजिए। आखरत का जो लंबा अरसा का मामला है, जो बड़ी नेमतें हैं, उनके लिए कोशिश कीजिए और दुआ मांगा कीजिए कि अल्लाह रब्बुल इज्जत आपको उखरवी नेमतें भी दे और दुनिया भी आसान कर दे। तो ये जो दुआएं हैं ये आपके लिए मरहम होता है, उन्हीं दुआओं में से आपके लिए दुआ आती होती है,
जो आपने कह लीजिए अपनी जुबानों से अदा करनी है वो है ला इलाह इल्लल्लाह, ला इलाह इल्लल्लाह। ये बड़ा खूबसूरत सा मामला है, इसमें आजम है। ये कह लीजिए दुखी दिलों के ऊपर गिरते वो कतरे हैं जो इनको तकवीयत दे देते हैं। कहीं मत जाइएगा, अभी हमारी बातें जारी हैं और हमने आज दिलों के इलाज करने हैं। एक छोटे से वक्फे के बाद वापस आते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। वेलकम बैक। टेलीफोन कॉल्स ओपन हैं, जो बात करना चाहें कर सकते हैं। आज हम कोशिश कर रहे हैं अपने दिलों को कुरान की आयात के जरिए से खुश बनाने की और इसके जरिए से इलाज करने की, इसलिए कि कुरान जख्मी दिलों का इलाज है, कुरान दुखी दिलों का इलाज है और नबी की बात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात आपके दिलों पे मरहम रखने का काम करती है। इसलिए जब कभी ऐसी कैफियतें हों तो अपने वक्त को अल्लाह की बात सुनने में, पढ़ने में और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान जो है सीखने में लगाइए। यकीन जानिए आपके दिलों के अंदर एक ऐसी कैफियत पैदा होगी जो आपको तकवीयत देती है, आपको ताकत देती है और ये चीजें दिलों के अंदर से पैदा होती हैं जो अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से उंडेल दी जाती हैं, यानी दिलों के अंदर उंडेला जाता है इत्मीनान। जैसे कि दुआएं पढ़ते होते हो, रब्बना अफरिग अलैना सब्रम वसब्बित अक्दामना वंसुरना अलल कौमिल काफिरीन, ये इतनी प्यारी सी कि ऐ अल्लाह मेरे ऊपर सब्र को उंडेल देना, सब्र जो है वो पूरी बकेट मेरे दिल में उंडेल दी जाए ताकि इसमें सब्र भर जाए, ये सब्र से लबरेज हो जाए। तो ये जो आने वाली कैफियत होती हैं, इसलिए कि गम और खुशी ये दोनों कह लीजिए जिंदगी का हिस्सा होते हैं, ये कभी भी एक कैफियत हमेशा नहीं रहती। सुल्तान महमूद गजनवी का और अय्यास का नाम आपने सुना हुआ है, जब दोनों आपस में इतनी फतूहात करने के बाद जुदा होने लगे, अलहदा होने लगे, तो सुल्तान महमूद से अय्यास ने कहा कि हम सारी जिंदगी इकट्ठे रहे हैं तो कामयाबियां हमारा मुकद्दर बनी रही हैं, तो अब मैं अलहदा होने लगा हूं तो मुझे कोई ऐसी नसीहत कर दीजिए कि मुझे लगे कि आप मेरे साथ हैं, ताकि आपका जो साथ होना और आपकी नसीहत करना होता था वो हम दोनों के मशवरे जो होते थे वो ताकत बनते थे, ताकि आपकी वो नसीहतें मेरे लिए जो है मशलेरा बन सके। तो तब सुल्तान ने एक बात आगे जारी रखेंगे अपनी, इस एक कॉलर मौजूद है उनसे बात करने के बाद। जी अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम। मैं एक मसला पूछना है। अगर लोग सदा उम्र की नमाज पढ़ने हैं, किस पढ़ने हैं तो किस नहीं पढ़ने हैं, किस मौला ना आखने पढ़ो तो किस जाने ने माफ नहीं पढ़ने हैं, पढ़ने हैं सदा उम्र की नमाज, इस बारे में पूछनी है। मैं बता देती हूँ आपको इंशाल्लाह। तो कजाए उम्री की आप बात कर रहे हैं, तो वो बास दफा लोग जो हैं वो कहते हैं कि उसको आप अदा कीजिए, या कह लें कि बास दफा वो रमजान में आखिरी जुमे को भी पढ़ रहे होते हैं। तो ये हदीसे मुबारिका में ऐसा कोई मामला नहीं है कि बताया गया हो कि आपकी पूरी उम्र की जो नमाजें हैं आप एक दिन 12 रखते पढ़ लेते हैं तो वो पूरी हो जाएंगी, ऐसा मामला किसी भी सही हदीस में शामिल नहीं है। ये कह लें कि कुछ जो आपको ओपिनियंस मिल रही होती हैं, कुछ राय आ रही होती हैं, या कुछ बुजुर्गान दीन के कुछ आपके पास जो है वो तालीम पहुंच रही होती है तो उसके जरिए से लोग इसकी बात कर रहे होते हैं। ये कह लीजिए कि अगर सही हदीस की बात मैं कर रही हूँ, जो असहाय सत्ता आ रहा है सही हदीस है, उसमें कहीं पर कोई हदीस आपको नहीं मिलती कि कजाए उम्री करें, इसलिए कि नमाज की कजा का कहीं पर कोई तसव्वुर नहीं है। नमाज पढ़ने का हुक्म है, नमाज को अदा करना है। अगर नमाज छूट जाती है तो कह लीजिए तब भी आप, जब भी आप को वक्त मिलता है आप नमाज को अदा कर दीजिए, अगर आपने नमाज नहीं पढ़ी हुई तो आप पहले अपना जो है फुर्सत में नमाज को अदा कीजिए। और उसके अलावा अगर कजा की बात होती है, जो आपने कह लीजिए कि जिंदगी में जैसे हम लोग अगर अपने जवानी के वक्त में या सेहत के वक्त में या वैसे भी अपने कई दिन जो है अगर हाल ही छोड़ दिए हैं, नमाजें नहीं अदा की, तो आप जो जो नमाज पढ़ते हैं उस नमाज के साथ आपने जो है उसी तरीके से वो रखते पढ़ लिया करें, ताकि अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने फजल से हमारे नवाफिल को
फराइज के दर्जे दे दे, ये मेरे रब का फजल और उसकी अता ही है। हम ये नहीं कह सकते कि मैंने ये जो नमाज छूटी हुई थी मैंने वो अदा कर दी है तो वो हो गया है सिलसिला। हमारी सिर्फ एक कोशिश होती है, जब वो कह लीजिए वक्त की नमाज और वो जो वक्त गुजर जाए, तो वो आपने अक्सर सुना हुआ है कि वो आपकी तो जस्ट वो ऊपर कह लीजिए नीचे और सजदा करना होता है, पर दुआ ये होती है और हमें उम्मीद है कि अल्लाह करीम हमारे ये सजदे और ये हमारे रुकू कबूल फरमाए। तो आप जब भी नमाजें अदा करते हैं अपनी, उन नमाजों के साथ जो जो नमाज होती है उसके को कह लीजिए फराइज जो है वो आप अदा करते जाए, वो बगैर वक्त के और गुजरे हुए वक्त के साथ तो नफल ही बन जाते हैं, पर हमारी नीयतें इरादे और दुआएं ये होती हैं कि अल्लाह करीम जो हमारे छूटे हुए फराइज हैं उनको पूरा कर ले और उनकी जगह पे इनको कबूल फरमा ले। बाकी आप जो कह रहे हैं कजाए उम्री की बात, कि अगर ये एक नमाज है ये रमजान में पढ़ी जाए या ये 12 रखते किसी जुमे को पढ़ी जाए तो ये आपकी पूरी उम्र की नमाजें हो जाती हैं, ये सही हदीस में कहीं पे मौजूद नहीं है। तो नवाफिल को बढ़ा लीजिए, नवाफिल के इजाफे कर लीजिए, ये आपके लिए बेहतरीन है। जो आपके छूटे हुए सजदे हैं अल्लाह करीम इनको कबूल फरमा ले। बात हम कर रहे थे सुल्तान महमूद गजनवी की और अय्याज की, कि जब सुल्तान को कह लीजिए यहाँ से अय्याज को विदा होना था, छोड़ के जाना था, तो उसने यही दरख्वास्त की थी कि मुझे कोई ऐसी नसीहत कीजिए जो आपकी बात मेरे साथ रहे। तो तब सुल्तान महमूद ने एक चांदी की अंगूठी बनवाई और उस अंगूठी के ऊपर कुनिंदा करवाया, यानी दरमियान में लिखवाया था कि ये वक्त नहीं रहेगा। तो उसने ये तोहफा अय्याज को दिया और साथ ये भी कहा कि जब भी कभी तुम्हें कोई फतह आ जाए तो तब भी इसको देख लेना, अगर कोई शिकस्त हो जाए तो तब भी इसको देख लेना, यानी फतह आ जाए तो इसको पढ़ लेना, ये वक्त हमेशा ऐसे नहीं रहते हैं, शिकस्त भी आ सकती है, इसलिए तुम्हारे अंदर गुरूर और तकबर ना आने पाए। जब शिकस्त हो जाए तो तब भी पढ़ लेना कि ये वक्त नहीं रहेगा, हमेशा शिकस्त मुकद्दर नहीं होती, गम और सख्तियां हमेशा नहीं रहती, अल्लाह की तरफ से फतह व कामयाबी व कामरानी भी तुम्हारी मुंतजर है। तो ये कह लीजिए जुमला उसने ये लिख के अंगूठी के ऊपर तो उसको दिया था ताकि ये तुम्हारे साथ रहे। तो ये सबसे बड़ा मामला जो हमारे लिए सोचने वाला कि जो कैफियत है ये आना जाना होता है ये मौसम का, जिस तरीके से आपके पास मौसम कभी बहार आ गया कभी खजां आ गया कभी सर्दी आ गई कभी गर्मी आ गई, यही आपकी कैफियत होती हैं और यही मौसम आपके ये होते हैं, कभी गम का मौसम है कभी खुशी का मौसम है कभी उदासियों के मौसम है और कभी कह लीजिए खुशहालियों की बारिशें हो रही हैं। आपने क्या करना है इन सारी कैफियत में, अगर तो आप अपनी प्लानिंग करके अपने रब के साथ जुड़े रहते हो और कह लीजिए अपने अल्लाह से मांगते रहते हो, आपके लिए सारे मौसम अजर और सवाब के मुस्तहिक होते हैं। खुशी आ जाए तो खुशी में किए गए अल्लाह की नेमतों के तज़किरे। और ये जो आपके साथ हम बात कर रहे थे सूरह वद्दुहा की, कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने नबी के दिल के ऊपर मरहम रखा और इस सूरह को उतार दिया, इसमें कुछ तीन चीजें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये इलाज बता दिए थे कि अगर कोई गम की कैफियत आ जाए तो ये मामलात जो है ये चीजें जो है ये अपनी जिंदगी में जारी रखिए, इंशाल्लाह इंशाल्लाह रात छट जाएगी और चढ़े दिन आपके मुंतजर होंगे। अब वो चीजें कौन सी हैं, सूरह वद्दुहा की बात है, जब अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बताया, एक दफा सुन लीजिए आपको उसका अंदाजा हो जाएगा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा, मा वद्दअका रब्बुका वमा कला, وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يؤتيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث। ये जो आखिरी आयत आ रही हैं ये कह लीजिए आपको ये तरीका और असलूब दे दिया गया कि जब कैफियत गम की हो तो ये कर लिया कीजिए। कौन सी आयत थी, फअम्मल यतीम फला तकहर, देखिए यतीम को मुख्ताज को बेकसों को कमजोरों को फला तकहर, उनको झड़का ना कीजिए, उनके ऊपर सख्ती ना कीजिए, इनके ऊपर गुस्सा ना कीजिए। ये कह लीजिए मामला जो सबसे बड़ा आपके लिए आता है कि आप
मिस्कीन के ऊपर, बेकस के ऊपर, मुख्ताज के ऊपर, कमजोर के ऊपर गुस्सा ना करें, कहर ना करें, उनको झिड़कें नहीं, उनको डांटें नहीं। वह अम्मसाइल फला तनहर, फिर आगे मफहूम आ रहा है, ये जो मांगने वाले हैं, ये जो सवाल करने वाले हैं, इनको ना ना डांटिए, ना मना कीजिए, ना झिड़किए, ये मामला भी आपको बताया जा रहा होता है। सबसे पहले तो जो यतीम की बात आती है, यानी कह लीजिए जिनके आसरे और सहारे नहीं होते, जिनके पास पीछे ताकतवर सुतून नहीं होते, जिनके पास बड़ी मजबूत सपोर्ट नहीं होती, उनको कमजोर समझ के डांटना, झिड़कना, मना करना, ये कह लीजिए उनके ऊपर गुस्सा होना, ये छोड़ दीजिए, ऐसा ना कीजिए। वो पीछे मामला मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरबियत के आते होते हैं। जब आकाए करीम ने अपने साथी से फरमाया था, आपने नौकर को माफ कर दिया करो, माफ कर दिया करो, उन्होंने आगे से कहा, ए अल्लाह के रसूल, कितनी बार दिन में माफ करें, इतनी गलतियां करते, इतनी कोताहियां करते, इतनी मिस्टेक बनाते हैं, कितनी बार माफ फरमाएं। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दिन में 70 बार। हदीस से मुबारिका, दिन में 70 बार। कह लीजिए वही बात कि एक किस्म का आंखें बंद करने की ही बात है कि आप उसको ना डांटा कीजिए। हजरत अंस रजी अल्लाह ताला फरमाते हैं, मैं बचपन से आकाए करीम की खिदमत में मामूर था, मुझे कोई दिन ऐसा याद नहीं कि मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी मुझे सख्ती से, कभी गुस्से से, कभी कहर से कोई बात की हो, ऐसा कभी नहीं हुआ। तो ये कह लीजिए कि जो आपके मातहत होते हैं, हम समझ रहे होते हैं ये हमारा बड़ा रोब है, ये हमारी बात करने के बड़े अंदाज हैं कि हम बड़े गुस्से से और बड़े कह लीजिए ताकत के बल पे और बड़े जोर के साथ उनको इस तरीके से उनको पस्त करके, डाउन करके, उनको कह लीजिए अपने से नीचे समझ के तो बात कर रहे होते हैं। ऐसे कामयाबियां नहीं होती, दिलों को जीतना कामयाबी होती है। अगर आप दिलों को जीत लेते हैं, आपके मातहत आपके लिए बुरा नहीं करते, आपका बुरा नहीं चाहते। अगर दिलों को नहीं जीत सके तो तब आपके सरों के ऊपर खड़े रहने से भी आप ये ना समझिए कि आसानियां और कामयाबियां होती हैं, ऐसा मामला नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान में सिखा दिया, और ये मामला बड़ा जानने वाला, आका करीम दुनिया से रुखसत होते वक्त भी ये जो बात फरमा के गए थे, अपने मातहतों का ख्याल रखना, अपने गुलामों का ख्याल कर रखना, अपने जो अंडर काम करने वाले हैं उनके ख्याल रखना, औरतों के साथ नरमियां करना, उनके ख्याल रखना, ये बड़े खूबसूरत से लेसन हैं जो मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी हयात तैयबा में हमारे लिए छोड़े। तो ये कुरान की बात जो कि सबसे पहले यतीम के साथ ऐसा सलूक ना कीजिए, जो बेसहारा मुख्ताज हैं उनके साथ सख्तियां ना कीजिए, वह अम्मसाइला फला तनहर, और जो मांगने वाले सवाल करने वाले हैं उनको ना झिड़का ना कीजिए। अब ये भी हमारे पास आजकल बहुत बड़ा सोसाइटी में इशू है, कुछ सोसाइटीज ऐसी हैं जहाँ पे ये कह लीजिए बीमारी कम है जो पेशावर गदागरी होती है, और कुछ सोसाइटीज हैं वहां पे तो बहुत ज्यादा हद से गुजर गया हुआ है। कह लीजिए कि बास दफा हम लोग वही थक भी जाते हैं, गुस्से में भी आ जाते हैं, और कुछ उनके रवैये और उनकी बातचीत भी ऐसे होती है कि सख्ती सी हमारे लहजों में आ जाती है। इस सूरह को याद रखिए, अल्लाह के इस हुक्म को याद रखिए, अल्लाह के कुरान ने मना कर दिया। और एक और चीज, जब आपने सूरह बकरा को पढ़ा था तर्जमे से, तो वहां पे चीजें बताई जाती हैं, अल्लाह ने जिनके हक आपके ऊपर लगाए हैं उन हकूक में से एक हक उनका भी है जो आपके सामने दस्ते सवाल दराज करें, उनका भी एक हक है। अगर माल उस हथेली पे नहीं रख सकते तो दुआ रख दीजिए, अगर दुआ नहीं दे रहे तो नरम रवैया रख दीजिए, अगर नरम रवैया नहीं है हल्की सी मुस्कुराहट रख दीजिए। ये कह लें कि ये मामलात जो हैं ये आपने खुद जारी करने हैं, नरमियों से अल्लाह रब्बुल इज्जत की नेमतें आपके ऊपर गिरने लग जाती हैं। तो ये अल्लाह के कुरान ने जो चीजें बताई थी कि नेमतों में कमी ना आए, ये मामलात रखा कीजिए कि यतीमों के साथ कहर नहीं करना, और सवाल करने वालों को डांटना झिड़कना नहीं है, गुस्से नहीं होना उनके साथ, ये वो उनके अपने पेशे और अपने मसले हैं, और अपनी कह लीजिए उनका अपना अजर व सवाब अपने रब के साथ उनकी बातचीत है। अल्लाह रब्बुल इज्जत से बात करना, ये बात मुझे बड़ी प्यारी सी लगती होती है, अपने रब से बात किया कीजिए। आप बड़े जिन रिश्तों को पसंद करते हो, आपके दोस्त अहबाब होते हैं, आपकी फैमिली होती है, बहन भाई होते हैं, माँ बाप होते हैं, आपकी इतनी बड़ी चाहत होती है आप उनके साथ बैठे, बैठ के घंटों दिल की बातें करें,
एक चाहत और भी शामिल कर लीजिए, अपने रब के पास बैठ के घंटों दिल की बात किया कीजिए। देखिए तो सही आपको कैसा लुत्फ मिलता है, देखिए तो सही गम कैसे रफू चक्कर होके भाग जाते हैं। करके तो देखिए, बड़े खूबसूरत से लिखने वालों ने अल्फाज लिखे थे कि अपने रब से किस तरीके से बैठ के कभी बात किया कीजिए। कल रात उड़ रहे थे तारे हवा के साथ, और मैं उदास बैठा था अपने खुदा के साथ। या तो कबूलियत का सलीका सिखा मुझे, या मेरे दिल को बांध ले अपनी रजा के साथ। अपने रब से बात तो किया कीजिए, गम दूर करना उसी के हाथ में है, तो वक्त दीजिए, बात कीजिए। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान में सिखाया, उसके बाद कौन सी बात है? व अम्मा बिनिमति रब्बिका फहद्दिस। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो इनाम दिए उनके तذکرے कीजिए। बात को जारी रखेंगे, कॉलर मौजूद है हमसे बात करने के बाद। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह बरकातहू। बाजी आपका प्रोग्राम बहुत ही अच्छा है और आप बहुत प्यारी लग रही हैं। आपके मुंह से फूल जलते हैं, तो मैं आपके लिए और आपके बच्चों के लिए दुआगो हूँ। अल्लाह ताला आपको, आपके बच्चों को सेहत तंदुरुस्ती दे और बच्चों को आंखों की ठंडक बनाए। तो मेरी भी आपसे आमीन दरख्वास्त है कि मेरे लिए, मेरे बच्चों के लिए आप दुआएं करें, और अल्लाह ताला इनको भी इंशाल्लाह। सिरात मुस्तकीम पे चलाए, और उन्हें भी आप अल्लाह अपने हबीब के सबके नेकी की तरफ रागब करें। इंशाल्लाह इंशाल्लाह अल्लाह करीम उम्मत मुस्लिमा की भलाइयां कर दे। अल्लाह करीम मुसलमानों के बच्चों बच्चियों की नस्लों की हिफाजत फरमा दे, उनकी इज्जतों की हिफाजत फरमाए, उनके ईमान की हिफाजत फरमाए। अल्लाह करीम आपकी नेक दुआओं को कबूल फरमाए। एक और कॉलर मौजूद है, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बेटी आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह एहसान अल्लाह के। अल्लाह ताला आपको खुश रखे और लंबी जिंदगी अता करे। ये बात है कि मेरे हस्बैंड जो है उनको याददाश्त का मसला हो गया, याददाश्त नहीं रहे, लेकिन अभी आपका प्रोग्राम सुना कि थोड़ा कभी कभी थोड़ा ऊंचा भी बोल लेती हूँ कुछ है, तो अल्लाह माफ करे, क्या करूँ? मैं अभी बता देती हूँ। अल्लाह करीम आपको सब्र दे, अल्लाह करीम आपको हिम्मत दे। ये आजमाइशें जिंदगी की हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत आपके लिए आसानियों के दरवाजे खोल रहा है। अल्लाह रब्बुल इज्जत के इरादे नहीं है अपने बंदों के साथ मुश्किलें करने के और उनके ऊपर जुल्म करने के। ये कुरान की आयात के तर्जमे हैं। अगर आपके ऊपर कोई कैफियतें ऐसी या आजमाइशें आती हैं जो आपको मुश्किल लगती हैं, अपने रब से बात किया करें, अल्लाह से दुआ मांगा करें, और ऐसे ही जैसे आप किसी अपने के साथ दिल की बात करना चाहती हैं अपने रब के साथ किया कीजिए। मुसल्ले पे बैठ जाया कीजिए, आज मुझे रब से सारी दिल की बात करनी है। अल्लाह ये मुश्किल मेरे ऊपर है, अल्लाह मेरे से पूरी नहीं हो रही, अल्लाह मुझे तकलीफ हो रही है, अल्लाह मेरा दिल परेशान हो रहा है, अल्लाह मेरे लिए आसानियां फरमा दे। ये सारी बात अपने रब से किया कीजिए। अल्लाह करीम आपके लिए आसानियां फरमाए और अल्लाह पाक आपको हिम्मत दे। कुरान की आयत हम पढ़ रहे थे सूरह वद्दुहा की, कि जो अगला मामला है, यानी सबसे पहले ये बोला गया कि यतीम के साथ अच्छा सलूक रखिए, उनको ना झिड़किए। फिर जो सवाल करने वाले हैं, जो मांगने वाले हैं, बेगारी हैं उनके, उनको मत बुरा भला कहिए। उसके बाद वह अम्मा बिनिमति रब्बिका फहद्दिस, अल्लाह की नेमतों को बयान कीजिए। हद्दिस होता है, हदीस से भी होता है, एक और कह लीजिए पेश करना बात होती है। यानी इसका मतलब ये हरगिज नहीं कि इस आयत को हम लेके तो हम साल के बाद एक दिन मनाएं तो अल्लाह की नेमतों के तज़किरे होते हैं। अल्लाह की नेमतों के तज़किरे हर सांस के साथ होते हैं, अल्लाह की नेमतों के तज़किरे हर दिन होते हैं। तो इसी तरीके से अल्लाह की नेमतों का तज़किरा क्या है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इतनी बड़ी सी नेमत दी, अर रहमान अल्लामा अल कुरआन खलकल इंसान अल्लामहुल बयान। ये कह लीजिए कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने, वो रहमान है जिसने हमें तो बोलने की ताकतें दी थी, जिसने हमें कुरआन दे दिया, जिसने हमें बयान करने का सलीका दे दिया। ये तो अल्लाह की इतनी बड़ी नेमतें हैं, इनको बयान करना है। बयान सिर्फ जुबान नहीं करती, आपके आज़ा भी करते हैं, आपके कह लीजिए अमल भी करते हैं, आपके किरदार भी करते हैं, आपके ख्यालात भी करते हैं। बयान करना, आपकी नजरों से भी कुरान बयान हो, हया के जरिए से आपकी समातों से कुरान बयान हो, गीबतों और झूठों को सुनने से इनकार के जरिए से आपकी जुबानों से कुरान बयान हो, अल्लाह का तज़करा जुबान से निकलने के जरिए से, और कह लीजिए बेसूद बातों को रोकने से आपके अज़ा के जरिए से कुरान बयान हो, सजदे और रुकुओं के जरिए से, ये कह लीजिए अल्लाह के तज़करे करने हैं।
उसकी नेमतों को बयान करना है। तो उसकी नेमतों के बयान से यानी अल्लाह का शुक्र करने से, कुरान की ही आयत आपको मिलती होती है कि जो अल्लाह का शुक्र करते हैं अल्लाह रब्बुल इज्जत उनको ज्यादा देता है, वो शुक्र करने वालों के लिए नेमतों में इजाफे फरमा देता है। तो इसलिए उसकी नेमतों के जो है वो शुक्र करते रहना, और उसके साथ कह लीजिए उन नेमतों के तज़किरे करते रहना। और तज़किरा इसी तरीके से होगा कि अल्लाह रब्बुल इज्जत की बात को, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो अहकामात दिए हैं और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो ड्यूटियां लगाई हैं, हम उन ड्यूटियों के ऊपर कारबंद रहें और हम उन कोशिशों के ऊपर लगे रहें, अल्लाह का जिक्र करते रहें, अस्तगफार को अपनी जुबानों से जारी रखें। इसी तरीके से आप ये भी जानते होते हैं मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम की जाते अकदस पे दुरूद भेजना, ये तो कह लीजिए दुखी दिलों को क्या हाली दिलों के लिए भी, ये इतना बड़ा ये कह लें कि मोहब्बतों का ये आपके लिए तोहफा है जिसको अल्लाह भी दुरूद भेजता है, अल्लाह के फरिश्ते भी दुरूद भेजते हैं। ऐ ईमान वालों, तुम भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाते अकदस पर दुरूद भेजा करो और बड़ी मोहब्बतों के साथ इस दुरूद को जारी रखिए। ये थोड़े से कुछ काम है, ये कोई बहुत बड़े से मामले नहीं है कि हमें कह लीजिए कोई हमारी ताकत या हमारी बसात से बढ़ के कोई बात बताई जा रही है, नहीं। ये मामलात इतने आसान से सिखाए गए हैं। अगर आप दुखी दिलों का इलाज चाहते हैं, अगर गम का इलाज चाहते हैं, अपने दिलों से, अपने दिलों के अंदर नरमी पैदा कीजिए, अपने दिलों के अंदर मोहब्बतें पैदा कीजिए, अपने दिलों में आजजी इनकसारी पैदा कीजिए, दिलों को अल्लाह के आगे झुकने वाला बना दीजिए, अल्लाह की बात मानने वाला बना दीजिए, और दिलों के अंदर कह लीजिए इखलास पैदा कर दीजिए, और फिर जुबानों से शिकायत ना निकले। अल्लाह पर तवक्कुल कीजिए। वो सूरह तौबा की आयतें आती होती हैं, ईमान वालों के ऊपर अगर आजमाइशें आ जाएं तो वो कहते हैं कुल लयुसीबना इल्लमा कतबल्लाहु लना हुवा मौलाना व अलल्लाहि फलयतवक्कलिल मुमिनून। वो कहते हैं ये हमारे लिए किसने फैसला किया, हमारी तकदीर किसने लिखी, हमारे ऊपर आजमाइश या परेशानी ये गम किसने भेजा है। कुल लयुसीबना इल्लमा कतबल्लाहु लना, ये भेजने वाला ये हमारा मौला है, हमारा अल्लाह है, हमारे रब के फैसले हैं, उसके हुक्म से हमारे ऊपर ये सख्ती के दिन आए हैं, और उसकी तरफ से आई गई आजमाइशें ये हमारे लिए कमजोरी के लिए नहीं आती, हमें ताकतवर बनाने के लिए आती हैं। उसकी तरफ से लाई गई आजमाइशें हमारा नुकसान करने के लिए नहीं आती, हमें नफा पहुंचाने के लिए आती हैं। तो उसकी तरफ से जो हमारे पास चीजें आती हैं, उन चीजों का मामला है कि हमने अल्लाह रब्बुल इज्जत से मांगना है और उसके साथ जुड़े रहना है और यकीन रखना है कि जो आजमाइश भी आएगी वो आजमाइश मेरे लिए मेरे दर्जे बुलंद करने के लिए या मेरे गुनाह धोने के लिए आएगी या मुझे पाक करने के लिए आएगी या मुझे कुंदन बनाने के लिए आएगी, ये अल्लाह की तरफ से इनामात है। दुआएं मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतनी प्यारी सी दुआएं मांगा करते थे, अल्लाहुम्मा इन्नी औसु बिका मिनल हम्मी वल हुज्नी वल अजजी वल कसली वल बुखली वल जुबनी वज़रअद दैनी वग़लबतर रिजाल। इतनी प्यारी दुआएं जो आके करीम मांगा करते थे, कह लीजिए वो आपके लिए अल्लाह रब्बुल इज्जत के हुक्म से जो सिखाई जाती हैं कि ये दुआएं अपने रब से मांगा कीजिए। ए अल्लाह मुझे गम और परेशानी से बचा ले, ए अल्लाह मुझे काहली और सुस्ती से बचा ले, ए अल्लाह मुझे बहीली और बुजदिली से बचा ले, ए अल्लाह मुझे कोई मेरे ऊपर फितना मुसल्लत होने से बचा ले। ये इतनी प्यारी सी दुआएं हैं जो हमने अपनी जुबानों से जारी रखनी है। और दुआ आपका एक रिलेशन होता है। हम अक्सर बात करते होते हैं कि अक्सर औकात हम जब अपनी फैमिलीज होती हैं जिनके करीब होते हैं, हम बड़े खुश रहते हैं अगर हम हर वक्त उनके साथ ऑनलाइन रहें तो, या बाज़ दफ़ा आप दूर होते हैं तो अक्सर औकात, आजकल तो आपको ये है तजर्बा कि अपने फ़ोन ऑन रखे हुए हैं, वीडियो कॉल ऑन है और आप उधर से, वो अपने कामों में मसरूफ़ हैं, आप इधर मसरूफ़ हैं, बात भी कर लेते हैं, देख भी लेते हैं। कभी सोचिए अपने रब के साथ भी ऑनलाइन रहिए। एक कॉल जो है वो रोज की इस तरह की जो सारे के सारे मेरे मामलात मेरे रब के सामने पेश होने हैं। अल्लाह नफ्स बड़ा कमजोर है, अल्लाह ख्वाहिशों का बड़ा गलबा है, अल्लाह इल्म की बड़ी कमी है, अल्लाह नादानी बहुत ज्यादा है,
अल्लाह दुनिया के मामलात बड़े मुख्तलिफ से हैं, अल्लाह कुफर का बड़ा यहाँ पे चर्चा है, अल्लाह रस्म और रिवाज के बड़े चर्चे हैं, ए अल्लाह मुझे अपने साथ जोड़ ले, अल्लाह मुझे मेरे नबी की सुन्नत के साथ जोड़ दे, अल्लाह मुझे ईमान के ऊपर ताकत वाली जिंदगी दे, अल्लाह अपने नबी के फरमान को मेरी जिंदगी में जारी कर दे, अल्लाह मुझे कभी तनहा ना छोड़ना, अल्लाह मुझे मेरे नफ्स के हवाले ना करना, ए अल्लाह अपने फजल से मेरे कदमों को पकड़ के जन्नत की राहों पे चला दे, अल्लाह अपने फजल से मेरी जुबान से वो कलमात निकाल जो तुझे पसंद है, अल्लाह अपने फजल से मेरी आंखों पे हया के पर्दे डाल दे, ए अल्लाह अपने फजल से मेरे अच्छे मामलात को कबूल फरमा ले, अल्लाह मेरी खताओं पे पर्दे डाल दे, अल्लाह जैसे दुनिया में तूने बाइज्जत बना के खड़ा कर दिया, अल्लाह कयामत पे भी बाइज्जत बना देना। एक कॉलर मौजूद है, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है आपका? बहुत अच्छा प्रोग्राम आप करती हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के एहसान जी। ये अभी आप बता रही थी कुछ कजा नमाजों के बारे में कि वो एज ए नफल ही होते हैं, तो मुझे ये पूछना था कि जैसे हम फजर के नमाज के साथ या असर के वक्त तो नफल नहीं पढ़ सकते, तो जैसे कई लोग उसके साथ इसको कजा करके पुरानी नमाजों को पढ़ते हैं, तो क्या वो नफल शुमार होंगे या मतलब या उन टाइम में नहीं पढ़ना चाहिए? दूसरा, मैं भी कुरान पाक पढ़ती हूँ, तो उसमें काफी ज्यादा तफसीर में ये बार बार आता है कि जो अल्लाह की आयतों से कुफर करते हैं और शिर्क करते हैं, एक जी यहाँ पे मेरे हेले डिस्कनेक्ट हो गया, तो इस वजह से जी तो मैं आपको बता देती हूँ, इसलिए कि जो नमाजों की बात आप फजर की कह रही हैं या असर की कह रही हैं, तो आप फजर की नमाज से पहले नफल पढ़ लिया कीजिए, इसलिए वो बहुत अच्छा होता है। जिस तरह तहज्जुद के आप नफल पढ़ते हैं, वहां पे ज्यादा नवाफिल जो पढ़ रहे होते हैं, इसीलिए पढ़ रहे होते हैं कि अल्लाह करीम हमारे मामलात जो है आसान फरमा दे। तो फजर की नमाज पढ़ने से पहले भी आप जो है अपने जो आपकी कजा नमाज गुजरी हुई है उनके सुन्नतें फर्ज जिस तरीके से आप पढ़ना चाहो, या चार नफल पढ़ना चाहो, या वो फजर का इरादा करके नियत करके आप पढ़ना चाहो, तो फजर की नमाज से पहले आप ये नमाजें पढ़ लो, उसके बाद जो है फजर पढ़ लें। तो इसी तरीके से जोहर का भी मामला, असर का भी मामला ऐसे है कि पहले आप वो रखते पढ़ लिया कीजिए, और उसके बाद फिर अपनी जो वक्त की ऊपर नमाज है उसको अदा कर लिया कीजिए। अल्लाह पाक आपके लिए आसान मामला फरमा दे, और अल्लाह करीम हमें सजदे बढ़ाने की तौफीक दे और नवाफिल को बढ़ाने की तौफीक दे। ये हमारी दुआएं ही हैं, और कोशिश ये करनी है इसलिए कि आपके इखलास की जरूरत है। अल्लाह रब्बुल इज्जत को वही कह लीजिए, दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना अतात के लिए कुछ काम न थे कर रो बया, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जिस काम के लिए पैदा किया है, इबादतों के साथ अपने दिल को लगाए रखिए, इबादतों का और अल्लाह के कुर्ब का दर्द अपने पास रखिए, और मुझे और इस्लाम चैनल उर्दू वालों को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी, इजाजत दीजिए, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।